स्थानीय उपखंड कार्यालय संगरिया में आज यहाँ पे ओबीसी सर्व ओबीसी समाज राजस्थान की ओर से ओबीसी आरक्षण में जो तमाम विसंगतियाँ हैं जिनके कारण युवाओं को के अवसर कम हो रहे हैं और उन अवसर कम की वजह से अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं जो नौजवान हैं वो पीछे रह रहे हैं, उनको एक पूरा अवसर नहीं मिल पा रहा। और पूरे राजस्थान में ये ओबीसी आंदोलन के बारे में नौजवान संगठित हो रहे हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इसी आवाज़ के संदर्भ में आज अभिमन्यु पूनिया के नेतृत्व में यहाँ पे काफ़ी संख्या में नौजवान यहाँ पे एकत्र हुए हैं और ओबीसी की मांग को पुरजोर तरीके से उठाने का निश्चय किया है। और इस विषय में और जानकारी के लिए उनसे वार्ता करते हैं कि किस प्रकार ओबीसी आरक्षण में विसंगतियां हैं, क्या कमियां हैं और कैसे दूर किया जाना चाहिए। देखो, राजस्थान के अंदर 2018 में वसुंधरा राजे की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, उस समय उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण देने के लिए जो अधिनियम निकाला उसमें 14 अप्रैल 2018 को वो अधिनियम पारित किया। उसके अंदर अधिकांश सीटें भूतपूर्व सैनिकों को जो सीटें दी गई अधिकांश सीटें ओबीसी आरक्षण से निकाली गई। ओबीसी आरक्षण 21% था, उसको आज आरक्षण ओबीसी में हकीकत ये मिल रहा है कि उनको 3 या 4% आरक्षण मिल रहा है, बाकी उनका 17% आरक्षण कहीं ना कहीं उस भाजपा सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को आवंटित कर दिया, जिसका खामियाजा ओबीसी के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है, जिसमें हमारे सिख साथियों ओबीसी में, हमारे खाती साथियों, बर्मा साथियों, घुमार साथियों, जाट साथियों, बिश्नोई साथियों, इन साथियों को, इन समाज को, युवाओं को भुगतना पड़ रहा है, जो कि आज सीटें देख रहे हो, आज जो नौकरियों के अंदर 3 या 4 सालों में जो लिस्टें आ रही है उसके अंदर ओबीसी के युवा 3 या 4% लग रहे हैं, कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी से कम ओबीसी के साथी लग रहे हैं। जिस तरीके से सरकार द्वारा ये बताया गया है कि ओबीसी को इतना आरक्षण मिल रहा है, उसके अनुरूप नहीं मिला और एक छदम तरीके से उसको आरक्षण को एक कम कहीं ना कहीं ओबीसी के समाज, ओबीसी के युवाओं के साथ उस समय की भाजपा सरकार ने छलावा किया था। और ये 3.5-4 साल कांग्रेस की सरकार को हो गए, हम राज्य के मुख्यमंत्री कांग्रेस सरकार से ये निवेदन करते हैं कि ये आरक्षण ओबीसी के साथियों को वापस मिले, ताकि उनको अपने जो उनको सुविधाएं जो मिल सके उस आरक्षण में 21% पूरा का पूरा ओबीसी का युवा अपना आरक्षण चाहता है, वो अपनी सीट किसी दूसरे साथी को नहीं देना चाहता। निश्चित रूप से इसके लिए आने वाले समय में बड़ा आंदोलन ओबीसी के साथियों को करना पड़े, जन जागरण यात्राएं निकालनी पड़े, तो भी ओबीसी का युवा इससे पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसको अपना हक लेना है और अपना हक वो लेकर रहेगा, चाहे उसे राज्य सरकार के गेट तक पहुंचना पड़े, गेट खटकाना पड़े, तो युवा उसके लिए तैयार है। इससे पहले भी तमाम बार बार हमने ज्ञापन के माध्यम से आवेदन किया है, निवेदन किया है मुख्यमंत्री साहब से कि आप ओबीसी के युवा साथियों को अपना आरक्षण वापस दें। निश्चित रूप से आज पूरे तमाम राजस्थान के अंदर तहसील स्तर पर एक ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार को चेताया जा रहा है। आप कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, लगातार कांग्रेस में रहकर आपने नौजवानों की और हर तबके की आवाज़ को उठाया है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। एक मिनट, जिस तरीके से अब ये सरकार इस मसले में देरी करे या सुनवाई नहीं करे, तो क्या आपके कदम सरकार के इस फैसले का विरोध करने या सरकार का जो अनिर्णय स्थिति है उसको विरोध करने की रहेगी? हमारा काम है जिन साथियों के साथ, युवा साथियों के साथ जो ये कुठाराघात हो रहा है, आज नौकरी के लिए उनका समय निकलता जा रहा है, आज जो युवा साथी है जिस परिवार में परिस्थितियाँ खराब है वो युवा साथी नौकरी लगने के लिए पेपर देता है। पहले परिस्थितियाँ ऐसी रही है सरकार के अंदर कि 2 साल कोविड आ गया, उनको परीक्षा देने में देरी हो रही है, तो ये सरकार को जब युवा के प्रति नहीं सोची, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस में होने के नाते हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इन युवा साथियों को, ओबीसी साथियों की बात को सुने, जिससे कि 2023 के अंदर राज्य के अंदर दोबारा चुनाव है, आम चुनाव है, उसके अंदर ओबीसी का साथी अपने आप में एक
सहज महसूस करे। और निश्चित रूप से मूल ओबीसी, ओबीसी हमेशा कांग्रेस के प्रति उनकी जो भावना रही है वो एक सहज भावना रही है, कांग्रेस के प्रति उनका जुड़ाव रहा है और वो मजबूत स्थिति के साथ 2023 के अंदर जुड़े और उनको आरक्षण का फायदा मिले। क्योंकि भाजपा सरकार ने जो किया वो आपके सामने है, उन्होंने अंधेरे में रखकर भूतपूर्व सैनिकों को जो उन्होंने आरक्षण दिया वो आरक्षण अधिकतर आरक्षण ओबीसी के आरक्षण से निकाला हुआ आरक्षण था, जो कि आज ओबीसी से युवा आता है वो कहीं ना कहीं एक नंबर दो नंबर से वंचित हो रहा है, तो उसको उस अधिनियम का परिणाम भुगतना पड़ रहा है, आज वो नौकरी नहीं लग पा रहे हैं। तो उसकी स्थिति के अंदर हम तमाम युवा साथी आज ओबीसी के साथी आए हैं, तमाम साथियों के साथ मिलकर चाहे जिले के अंदर जनजागरण अभियान, राजस्थान के अंदर राज्य स्तर पर चलाना पड़े तो चलाएंगे, लेकिन इस आरक्षण को ओबीसी के साथी वापस लेकर रहेंगे। राज्य के सरकार के मुखिया से हमारा निवेदन है, ओबीसी आरक्षण बाहर करो। ये थे संगरिया में नौजवान। जब देश प्रदेश में ये स्थिति है, रोजगार की कमी है और लगातार पोस्ट सरकारी नौकरियां घट रही हैं और उसके चलते लोग, युवा लोग पहले ही चिंतित है और इसमें जो उनको एक सही तरीके से आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा तो उनके हितों से एक कुठाराघात हो रहा है। जो पूरे राज्य के अंदर 21% आरक्षण था भाजपा सरकार के अंदर, 12.5% तो सैनिकों को, 6% महिला को दे दिया, 2% योगेंद्र विशेष योगेंद्र को दे दिया, उसको लेकर ओबीसी को मिला है मात्र 3%, उसको लेकर आज पूरे राज्य के अंदर हमारा जो ओबीसी के संघर्ष समिति जो मनाई हुई है राज्य की, उसके द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। तो तमाम संगरिया के दक्षिण के जो युवा साथी हैं ज्ञापन के माध्यम से निवेदन करते हैं कि ये ऋषि एक्टर तो चल रहा है।